चलिए बच्चा देखिए, तो आप लोग इधर कैसे डिफरेंशिएशन निकालेंगे उसके लिए पहला फॉर्मूला आपके सामने पेश है। देखिए पेश हो रहा है, देखिए कैसे आपकी ये बोर्ड पे रहा फॉर्मूला नंबर पहला। अगर आपका ध्यान दो y इक्वल टू एक्स का पावर n दिया हुआ है। मैंने अभी तक जो इंट्रोडक्शन पार्ट में पढ़ाया तो मैंने प्रूफ कर दिया कि कैसे लेते हैं पावर को, ठीक है। तो अगर इसको डिफरेंशिएट करोगे, फंक्शन आपको डिफाइन रहेगा y इक्वल टू एक्स का पावर n, n कुछ भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं, प्लस माइनस डिवाइड सब में चलेगा। तो dy by dx क्या चीज बोलो, इसी को ना डिफरेंशिएशन बोलते हैं। तो n गुना में आएगा, एक पावर घटेगा। मैंने इंट्रोडक्शन पार्ट में इसको कवर कर लिया कि जो पावर होता है वो मल्टीप्लाई में आता है, एक पावर घटता है। यहां से सीखो अच्छा से, इंटरेस्टिंग है। जो पावर होता है वो मल्टीप्लाई में आता है, एक पावर घटता है। ओके, इसको इस तरह भी लिखा जाता है और मुझे इस तरह लिखना पसंद नहीं है, तो अक्सर बुक में आपको y की जगह x का पावर n लिखा रहेगा, ऐसे ऐसे। या तो तुम बोलो y का डिफरेंशिएशन, या तो बोलो x के पावर n का डिफरेंशिएशन, क्योंकि y x के पावर n के बराबर है, समझ रहे हो ना। तो x के पावर n को मैं ऐसे लिख रहा हूं, ऐसे। ओके, n इंटू एक्स का पावर n माइनस n में और x में, कितने बच्चे क्या करते हैं कि n में और x में उनका अंतर नजर नहीं आता है, तो अंतर देना ना, तो खुद कंफ्यूज हो जाओगे। तो ये n n स्क्वायर कर दोगे, फिर कहीं से कहीं चले जाओगे, गए काम से। फॉर्मूला डब्बा में पैक कर रहा हूँ मैं। सो ये पहला फॉर्मूला है। ये सर ये फॉर्मूला आया कहाँ से? ये ऑलरेडी मैंने इंट्रोडक्टरी पार्ट में या इंट्रोडक्शन पार्ट में कवर कर दिया, कि बताया ना, बताया था लॉजिक दिया था ना, कि मैंने बताया था कि वाई को एक्स इक्वल टू टी स्क्वायर था, क्या था, गैलीली वाला एक्सपेरिमेंट में, तो डी एक्स बाई डी टी। ओके, तो मैंने आंसर निकाला था सर ना 2t। बेसिक तरीका से इस सवाल को भी बेसिक तरीके से बनाया जा सकता है, लेकिन बार बार इतना लंबा करने की जरूरत नहीं है, अपने को काम करना है। डायरेक्टली इसको ऐसे टूल इस्तेमाल करना था तो फटाक से नहीं हो जाएगा, टाइम नहीं लगाना, वैसे तुम कर सकते हो, मुद्दा नहीं है। हो गया, अब इसमें सवाल देखो, ये फॉर्मूला समझ आ गया, इसको पढ़ने का तरीका क्या, कब बोलोगे x के पावर n का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में n गुना में आता है, x के ऊपर में एक पावर घटा के लिखते हैं, n में से एक पावर। सर एग्जांपल दीजिए तो समझ आएगा, एग्जांपल सारे बच्चों का एग्जांपल, चलो एग्जांपल नंबर पहला। अगर सर सुनिए ना, हेलो गरीब बच्चों, x के पावर 5 का डिफरेंशिएशन करो। या तो क्वेश्चन ऐसे लिखा रहेगा, या हो सकता है कि लिखा रहे y = x5, y = x का पावर 5। क्या करोगे सर, क्या बोलेंगे बताओ, क्या करोगे? जो पावर है हेलो वो गुना में आएगा, हेलो बबू नजरे है, यस पावर जो है गुना में, और एक पावर कम करना है तो 5 में से 1 घटाना है, तो आंसर यह क्या हो गई। अब कितना बच्चा क्या बोलता है, सर कितना बच्चा आपको पहली वाली बार पढ़ दो, सर ईडी कहाँ गया, सर ईडी कहाँ गया, अरे यार ये तो डिफरेंशिएशन का मतलब है, डी हट, फॉर्मूला लगाए डी हट जाएगा, अरे बुझेगा नॉट गाइस, गुड समझ गया। चलो एक और एग्जांपल सर, एग्जांपल दिख रहा है बुबू, दिख रहा है x का पावर 2022, जल्दी बताओ बताओ क्या होगा, 2022 गुना में एक पावर कम करो, पहली बार है, ए आराम से ए इतना करो, ए इतना जल्दी एक कम करेंगे, पहले फॉर्मूला से बना था, तरीका से तरीका लगाओ, तरीका। ओके, तो 2022 x का पावर 2021, मजा आ गया, बड़ा मजा आ रहा है यार, सर मजा आ रहा है, सर मजा आ रहा है, फिर मजा आ रहा है। तो अब बताओ 1/x का पावर 3, अब मजा आया, बताओ अब मजा आएगा, बताओ अब क्या करोगे, जैसे नीचे आ गया बट्टा में आ गया तो मन खट्टा मत करो, इसको ऊपर ले जाओ, पहले कहा ले जाओ, फॉर्मूला अभी नहीं लगानी है, पहले इसको ऊपर ले जाओ, ऊपर ले जाओ, मन खट्टा हो गया रे, एक्स को ऊपर ले जाओ, हो गया, नीचे से ऊपर जाने में पावर क्या हो जाता है, याद है ना, सन बदल जाती है, क्या याद है, फॉर्मूला अभी इसको एक्स बोलते हैं, एक्स का पावर एन के बदले में कितना है, एन के बदले में यहाँ पे, यस यही तो बात है, तो -3 मल्टीप्लाई में अब फॉर्मूला लगाएंगे, अब लगाएंगे, जैसे फॉर्मूला लगाएंगे डी मर जाएगी, डी -3 मल्टीप्लाई में एक पावर कम कर दो, ए आराम से, एन की जगह कितना, एन की जगह कितना है, एन की जगह -3 एक घटाना है, -3 में से एक घटाना है, क्योंकि फॉर्मूला यही सजेस्ट कर रहा है कि एन इंटू एन माइनस वन, ओके, यानी कि जो पावर होगा उसी में से एक घटानी है। बताओ यहाँ पे फॉर्मूला तो लगा दिया ना, तो -3 एक्स का पावर कितना हो गया, -4 माइनस जो बोल दिया प्लस उसको दबा देंगे, पिचक जाओगी, माइनस ही माइनस का एक कटेगा,
पावर वाला मैं कहीं डर मैथमेटिक्स बर्बाद कर दोगे। माइनस फोर उधर है, ऊपर है तो नीचे लिया है प्लस फोर, तो आंसर फाइनल जो आंसर होता है ना, तुम यहाँ भी छोड़ सकते हो और यहाँ भी ला के छोड़ोगे। अरे बुझेगा नॉट गाइज, आसान है कि नहीं है? आसान है। वाह क्या बात है, क्या बात है, क्या से क्या हो गए देखते देखते। अब बताओ इसका डिफरेंशिएशन बताओ, बड़े काबिल हो तो बताओ इसका आंसर। अब यहां पर ध्यान देना, ध्यान देना, ध्यान दिया बुबू, यहां प्लस में है, क्या चीज में प्लस में, एक अलग ये पार्ट है, ये अलग पार्ट है, तो इसको अब पहले ऐसा करते ना, ऐसा करते पहले एक चीज पहले बोवा वाला देता है तब समझ में आएगा, ऐसा करते हैं ऐसे, अभी अकेले करते हैं तब प्लस में आता है, ये वाला करो कैसे करोगे। तो यहां देखो पांच भी दिखाई दे रहा है, अरे पांच भी दिखाई दे रहा है और एक्स क्यूब भी दिखाई दे रहा है। तो जब भी वेरिएबल के साथ नंबर लिखा हुआ हो, कॉन्स्टेंट लिखा हुआ हो बुबू, वेरिएबल के साथ तुम्हारा कान गल के गिर जाएगा, बता रहे हैं। एक दिन तुम देखो पीछे अम्मी को दिखाओगे ना तो यहाँ पे दाग होगा, यहाँ पे देखोगे ऐसे यहाँ पे ना, थोड़ा सा कान तुम्हारा कभी कभी हिला उखड़ ही जाएगा, ठीक है उखड़ जाएगा, उखड़ जाएगा। क्या बोला मैंने समझ में? तो कांस्टेंट कभी भी, अभी है मेरे पास, अभी पढ़ाने दो, हम तुम्हारे लिए पांच छह को बाद बना के रखे हुए, देखते रहो खाली, ठीक है। देखो या देखो एक नंबर है और ये एक्स क्यूब है, क्या है एक्स क्यूब है, नंबर के साथ एक्स लिखा हुआ हो, नंबर के साथ एक्स, तो नंबर को कुछ नहीं करना, नंबर में कोई फॉर्मूला नहीं लगाना, नंबर को चुपचाप बाहर कर देना, नंबर को जैसे युद्ध में लड़ने जाता ना तो बच्चा होता ना, बच्चा को कहता हट जाओ हट जाओ हट जाओ, ये तो ये बच्चा है एक तरह का ये, ठीक है समझ आपको। हाँ कहते ना एवरीथिंग इज फियर इन लव एंड वॉर, सुनियो ना, नहीं सुनते जा रहा लेकिन बच्चा को कहते नहीं फेयर है, बच्चा के साथ फेयर नहीं है मामला, ठीक है। पांच बाहर निकालो एक्स क्यूब, ऐसे ऐसे भी लिख रहा हूं को दिक्कत। तो डिफरेंशिएशन का प्रक्रिया अभी नहीं किया है, डिफरेंशिएशन का प्रक्रिया अभी क्यों नहीं किया, क्योंकि एक बच्चा था, उस बच्चा को पहले साइड करना है। यस अब मजा आ गया होगा, अब इसमें फॉर्मूला लगाएंगे, लगाओ अब लगाओ लगाओ फॉर्मूला, पांच करें तो ऐसे तीन गुना में एक पावर, अब बैकली कर देंगे हम, इतना समझदार हो तुम लोग, यार इतना गौर से खा जाओगे, अब खुश हो गोलू, अरे बुझेगा नाट, अरे बुझ रही हो, बस नंबर के साथ कभी एक्स लिखा रहेगा तो नंबर को पहले बाहर कर देंगे और तब जाकर के एक्स को डिफरेंशिएट करेगा, अरे बुझिंग वेरिएबल को, तो पांच दिया एक्स का पावर दो, अब समझ में फाइनल आंसर, यानी कांस्टेंट के साथ एक्स लिखा रहेगा तो कांस्टेंट को पहले क्या करना है, आसान है कि बहुत टफ है बुबू, गुड बुबू बोल दी खुश, मैं खुश। अब बताओ अगर दिल है कि मानता नहीं वाला बात हो, ऐसा हो ऐसा, अब इसको क्या करो, नीचे डीएक्स लिखा हुआ है, एक्स के रिस्पेक्ट करना है, पहले एक्स को उठा करके, अरे ये बच्चा है कांस्टेंट है, कांस्टेंट को यस बाहर, ओके, और एक्स को ऊपर ले जाना है माइनस, ओके उसको कहो तू बच्चा है, तू बच्चा है तू बाहर कर दो, एक्स का पावर आप क्या करेंगे, पावर भी नहीं करना है माइनस, तो माइनस थ्री ब्रेक में ऐसे से माइनस थ्री मल्टीप्लाई में एक पावर कम, एन में से एक कम, क्लियर, आंसर हो जाएगा छह त्रिक 18 और एक्स का पावर माइनस फोर, आंसर आ जाएगा माइनस 18 बट्टा एक्स का पावर, अरे बुझेगा नॉट गाइस, मजा आ गया। अब ये इंटरेस्टिंग बता रहा हूं, कांस्टेंट अगर वेरिएबल के साथ लिखा हुआ है तो कांस्टेंट को बाहर कर देते हैं, अब वेरिएबल को डिफरेंशिएट करते हैं, मान ली सर अकेला अगर कभी बच्चा मिल गया तो उसको कूट देंगे, अकेला बच्चा मिल गया माने अभी तो बच्चा कैसे चचा भी था उसके साथ, तो बच्चा बोले तो हटो हम लोग लड़ेंगे आपसे, लेकिन अगर मान लो कहीं पर बच्चा अकेला मिल गया, क्या मिल गया, अकेला मिल गया एक कांस्टेंट नंबर, अकेला मिल गया उसको कूट देंगे, अब कूट के मरिए देंगे उसको, समझा रहा भाई, कूट देना कैसे, अगर वेरिएबल के साथ नंबर आ गया, वेरिएबल के साथ नंबर आ गया तो नंबर को साइड कर देंगे एकदम, चचा के साथ आ गया बच्चा तो बच्चा को अलग करो, चचा से लड़ेंगे, बच्चा को साइड, बच्चा को चचा नहीं, ठीक है। लेकिन अगर बच्चा अकेला मिल गया, बच्चा अपना को चचा समझता है, उसको कूट देंगे, जीरो आंसर कर देंगे, अरे बुझेंगे ना। अब लॉजिक भी देता हूँ, लॉजिक भी देता हूँ, बताओ वाई इक्वल टू, फंक्शन टू है ना, वाई इक्वल टू है, फंक्शन क्या है, कॉन्स्टेंट है, मैंने तुम मान लो कि तुम यहाँ पे एक्स का वैल्यू कुछ भी रख लो लेकिन वाई का वैल्यू चेंज, वाई पढ़े थे हम लोग फंक्शन में कॉन्स्टेंट फंक्शन, क्या पढ़े थे, तो ये वाई इक्वल टू है, कॉन्स्टेंट फंक्शन है, अब कॉन्स्टेंट फंक्शन है तो तुम एक्स की वैल्यू कुछ भी रखो, वाई तो चेंज होने वाला है नहीं, तो वाई चेंज नहीं हो रहा है, तो चेंज इन वाई की बात ना कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं, टू में चेंज ना, तो टू में चेंज नहीं आएगा, कहीं कॉन्स्टेंट है, तो चेंज जीरो, तो आंसर जीरो,
मतलब समझाया, एक तो चच्चा वाला बात भी बता रहा है, बच्चा वाला बात भी बता रहा है, कंसेप्ट भी दे रहा है। ओके, कॉन्स्टेंट में कोई चेंज नहीं होगा, चाहे तुम कितना चेंज कर दो, ठीक है। कॉन्स्टेंट वैल्यू ना है तो वैल्यू में क्या चेंज होगा सर? ई कॉन्स्टेंट का फिर क्या कर रहे हैं जीरो सर? अरे ये अकेला नहीं है ना, ये वेरिएबल के साथ है। ओके, तो ये समझा रहा हूं, अकेला कॉन्स्टेंट कहीं पकड़ा जाए, जैसे 2, 3, 4, 5, -5, 6, πe, अकेला पकड़ा जाए उसका जीरो किलो गया। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बता दिया उन्होंने, इंटरेस्टिंग बात। दो ए मिस्टर गुल्लू, ए लड़का, पहली बात तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन कितना होता है? जीरो। एक बार जोर से बोलो, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है? जीरो। एक बार और जोर से बोलो, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है? जीरो। खाली जीरो बोलने में तो मजा नहीं आ रहा है, पूरा बोलो ना, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन जीरो होता है? ना दो आवाज नहीं आ रहा, फिर से बोलो, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन जीरो। आवाज नहीं सुनाई दिया, जोर से बोलो। अब सब चुप हो जाना, ना तो बोलेगी, बोलो। हाँ तुम लोड़े, जोर से बोलो, बोलो ना, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन, आवाज कहाँ आ रहा है? जोर से बोलो, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन, आवाज सुनाई दिया। अच्छा ठीक है, समझ आ गया ना। तो दो बातें यहां पर से आपको याद रखनी है, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन जीरो, और कांस्टेंट कभी वेरिएबल के साथ आ जाए तो कांस्टेंट को बाहर निकालो। कांस्टेंट को बाहर निकालना है, वेरिएबल को डिफरेंस करना है। चच्चा के साथ आ गया तो उसको मारना नहीं है, अगर चच्चा अकेला आ गया तो कूट देंगे। यस, कितना गजब बात है। तो यहाँ पर मैं दो स्टार का पॉइंट लिख रहा हूं, अगर बच्चा अकेला आ गया कूट देना है, अगर बच्चा चच्चा के साथ आ गया तो चच्चा बच्चा को साइड करो और चच्चा के साथ लड़ो, कांस्टेंट को बाहर कर दो। क्लियर हो गया? सी क्या कांस्टेंट है यहाँ पे? तो दो रूल मैंने अभी बता दिया सस्ते में, क्लियर हो गया? अच्छा से चलो उड़ाओ उड़ाओ, मस्ती करो, तारो तारो। देखिए तो ये आप लोग फॉर्मूला को इकट्ठा कर लेंगे, कितने फॉर्मूले पड़े? एक फॉर्मूला ये है और उसी का इसी का ये फॉर्मूला समझो, यही है, ठीक है। अब आगे कुछ बातें करने वाले, कितने एग्जाम्पल हो चुके बच्चे? छह। स्टार देखो फॉर्मूला, मैं इसको मैं जो स्टार लगा रहा हूँ ना, सबको समझना फॉर्मूला है, मैंने बहुत बार बार इस्तेमाल होगा, ठीक है। तो पहली बात तो ये कि सर सब बच्चे का दिक्कत ध्यान यहाँ होना चाहिए। आइए एग्जांपल भी है, एक्स का डिफरेंशिएशन एक्स के रिस्पेक्ट में कितना होगा, जल्दी बताओ। एक्स का डिफरेंशिएशन एक्स के रिस्पेक्ट में कितना होगा? आई डोंट नो, यू डोंट नो, आई ऑल्सो डोंट नो। ओके, फॉर्मूला है अपने पास, दिग्गज फॉर्मूला है, लगाते हैं काम करते हैं। चलो दिग्गज फॉर्मूला क्या करता है, फॉर्मूला से बात करते हैं। चलो ये कितना है पावर? वन है, तो वन गुना में लेते हैं, क्या फॉर्मूला कहते हैं? पावर गुना में लेंगे, पावर एक पावर घटाएंगे, तो वन गुना में लो, एक में से घटा दो, एन माइनस वन ना होता है, एन के बदले में वन है ना, अब पावर वन ही घटाना है, तो एक्स में वन में से वन कितना हो जाएगा? जीरो। जीरो किसी भी नंबर का पावर जीरो करना होता है। अरे बुझिए ना, एक्स का डिफरेंशिएशन एक्स के रिस्पेक्ट में वन होता है। इसी को मैं डब्बा ऐसे लिख करके ऐसे लिख करके ऐसे लिख करके ऐसे ना लिख करके ऐसे लिख दूंगा, dx by dx is equal to 1। इसको मैं बादल बना करके बरसा नहीं देंगे, घेर देंगे, ठीक है। इसको तुम याद रखने के नजरिए से ऐसे भी याद रख सकते हो कि dx dx करके आंसर बना गया, लेकिन वैसा है नहीं जैसा तुम सोच रहे हो। आया है कैसे? वैसे मैंने बता दिया, बट याद रखने के लिए वैसे तुम सोच सकते हो जैसा तुम सोच रहे हो, ठीक है ना, कि dx dx सेम सेम है, कट गया आंसर आ गया, याद रखने के लिए, लेकिन कंसेप्चुअली वैसा नहीं है, ठीक है ना। जैसे dx by dx कर दो वन, ऐसे काट के याद रखने ऐसा कर नहीं सकते हैं, बट याद रखने डी वाई बाई डी वाई वन, डी टी बाई डी टी वन। आर यू बुझी ना गाइस? सेम चीज का डिफरेंशिएशन सेम के उसी चीज के रिस्पेक्ट में वन होता है। क्लियर हो गया? तो कई बातें हो गई, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन अकेला रहेगा तो जीरो, अगर एक्स का डिफरेंशिएशन एक्स के रिस्पेक्ट में पूछा जाए तो वन। ओके, सेम होना चाहिए परिचय लेकिन। ओके, और सी कांस्टेंट और वेरिएबल एक साथ रहेगा तो कांस्टेंट को बाहर निकालेंगे, है ना, बता दिया बच्चा वाला बात, चच्चा वाला बात। ओके चलो, अब कुछ एग्जांपल, अब कृपया करके आप लोग कृपया करके ध्यान देंगे, स्टार जो लगा रहा ना वो इतना यूज होगा ना, बहुत लॉजिकल है, कोई याद करने वाली चीज है नहीं है। एक और स्टार वाली चीज है, सवाल ही समझो और इसको फॉर्मूला समझो, रूट एक्स का डिफरेंशिएशन, यानी कई बार इस्तेमाल होगा, ये तुम सोच भी नहीं सकते हो, रूट एक्स का आप सर ये कैसे करेंगे? इसको किसी ना किसी तरह इस फॉर्मूला पे लाओ, इस फॉर्मूला पे पावर वाला पे कैसे लाओगे सोचो, रूट को क्या लिखोगे?
एक्स का पावर हाफ, बचपन में पढ़े हो ना, हाँ, तो रूट ओवर लिखो एक्स का पावर हाफ। अब बताओ एन की जगह कितना है, एन की जगह 1/2, एन की जगह कितना है, फिर बात कर रहा है एन की जगह, तो एन मल्टीप्लाई मिलेंगे है ना, एक पावर माइनस करेंगे तो एन में से एक पावर माइनस करेंगे, उसी पावर में से एक पावर घटाना, उसी पावर में से, फॉर्मूला ध्यान से देखना, ध्यान से, ठीक है चलो। और उसके बाद ये 1/2 रहने दो, फॉर्मूला ला चुका है, 1/2 में से 1 घटाना चाहिएगा, -1/2 देखो ना, दो एलसीएम लोगे, गोलू देख रहे हैं, नींद आ रही है गोलू, दो एक कम दो, 1 - 2 क्या देखना चाहिएगा, -1/2, ओके चलो। तो आंसर आ गया एक्स का पावर माइनस हाफ बचा रहा, कभी पावर माइनस आता था मैंने क्या बताया था, नीचे लिया आइए, हाफ पावर को क्या बोलते हैं, रूट, हाफ पावर क्या बोलते हैं, तो आंसर डिफरेंशिएशन यहीं पर हो गया है, डिफरेंशिएशन यहीं तक हो गया है, बट यहाँ आगे का क्या बने, उसको थोड़ा अरेंज किया है, उसको माइनस पावर था तो नीचे ले गया, फिर पावर हाफ को रूट लिख दिया, रूट एक्स का डिफरेंशिएशन कितना आया, 1/2 रूट एक्स। अगर याद रखना है इसको, याद रख सको तो अच्छी बात है, मैंने कभी सवाल बनाएंगे तो याद रखो तो अच्छी बात है कि रूट एक्स का डिफरेंशिएशन 1/2 रूट एक्स होता है, याद ना रहे तो निकालने का तरीका तो पता ही है, तो इसको मैं लिख रहा हूँ रूट एक्स का डिफरेंशिएशन 1/2 रूट एक्स होता है, इसको भी बादल में, ठीक है बुबू समझ रहे हो, स्टार देकर के फॉर्मूला में क्लियर हो गया, रूट एक्स का डिफरेंशिएशन समझ आ गया, हाँ तुम लोग अभी एक और बना के दिखाओगे, एक और बना करके दिखाओगे, चलो स्टार दे, मैंने जो भी स्टार लिख रहा हूँ वो एज ए फॉर्मूला मैं यूज करूंगा आगे, लेकिन तुमको याद आएगा तो अच्छी बात है, याद आएगा तो निकालने का तरीका पता है तो निकाल लोगे, ठीक है चलो। अब सुनो सुनो ना, नहीं 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 दिस इज नॉट फेयर, 1/x का डिफरेंशिएशन कैसे कैसे करो, ये बताओ, ये बताओ, हाँ बबू कमाल कर दी तुम, एक्स ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस वन, ये ब्रेकेट में खाली एक्स डालो, ब्रेकेट में खाली एक्स डालो, एक्स कोई दिक्कत, अब फॉर्मूला बता होगा, माइनस एन की जगह कितना है, तो माइनस वन मल्टीप्लाई मिलो, एक पावर माइनस करो, माइनस वन में से माइनस वन घटाओ, हाँ बबू सही बोल दी, माइनस टॉप इसको नीचे लिख दिया, क्या आंसर आ गया, माइनस वन बाय, तो इसको भी मैं फॉर्मूला बना रहा हूँ, 1/x का डिफरेंशिएशन -1/x² होता है, ये भी बहुत बार एज ए फॉर्मूला मैं इस्तेमाल करूंगा, लेकिन कैसे आया वो मैंने सॉल्व बता दिया, नहीं याद रहेगा फॉर्मूला तो अच्छी बात निकाल लेंगे, पता है तो बहुत अच्छी बात डायरेक्टली यूज कर लेंगे, स्पीड बढ़ जाएगा अपना, तो मैं इसलिए बता रहा हूँ कि जो स्टार लगा रहा हूँ मैं इसको तुम सीधे अपने कॉपी में नोट्स पे सबसे फ्रंट पर लिखोगे, ठीक है किस पे लिखोगे, ये सब पहले फॉर्मूला से ही पैदा हुआ है, ये सब पहले फॉर्मूला से ही पैदा हुआ, हाँ अरे बुझे नॉट गाइस, गुड नोट करो नोट करो, आगे बढ़ते हैं और सवाल करवाते हैं, ओके चलो। देखो रे बच्चा एक क्वेश्चन में दर्द करवाता हूँ, इस टाइप का प्लस वाला करवाता हूँ, प्लस या माइनस अगर रहेगा तो सबको समझना कि तुम अलग अलग सवाल, इसको अलग डिफरेंशिएट करना, इसको अलग करना, इसको अलग करना, पहली बार है इसलिए पूरा तरीका बताता हूँ, पूरा तरीका को फॉलो करो, हड़बड़ाना नहीं है, पहली पहली बार है बोलो, पहली पहली बार है तो पूरा तरीका क्या करो, जानते हो कॉन्स्टेंट बच्चा है, बच्चा जब भी बच्चा चचा के साथ आता है तो बच्चा को सैड कर लेते हैं, तो ये कॉन्स्टेंट वेरिएबल के साथ आ गया है, कॉन्स्टेंट बाहर कर देंगे, बाहर करो 6 को और एक्स स्क्वायर को डिफरेंशिएट कर देंगे, ओके कोई दिक्कत, तो इसके लिए d/dx अलग, अब इसके लिए यहाँ पर भी प्लस दो बीच में, फिर बच्चा और चचा के साथ आ गया, मैंने कॉन्स्टेंट वेरिएबल के साथ आ गया, फिर बच्चा को बाहर, और यहाँ पे कौन है महाराज, ये चीज d/dx सब में लगा देना, d/dx मैंने ये समझो तुम्हारे पास हथियार जो है ना, हथियार कौन है, हथियार यही है d/dx हथियार है, d/dx हथियार है, हथियार कौन है, हाँ ओके यही ऑपरेटर कहलाता है, ठीक है d/dx। अब बताओ अब ये बच्चा तो अकेला पकड़ा गया, उसको कूट दो, मार दो उसको, वन कैसे बोल रही हो, कॉन्स्टेंट अकेला है ना, तो कॉन्स्टेंट को अकेला कूट दो कभी पकड़ा जाए तो, ठीक है कितना गजब याद हो गया, कॉन्स्टेंट का डिफरेंस 0। अब बताओ फॉर्मूला इसमें लगेगा, एक्स स्क्वायर का क्या होता है बताओ, 2x डायरेक्टली करें, दो गुना में एक पावर कम, तो दो में से एक क्या हो गया, तो
नहीं बनाने आ रहा है, कोई बच्चा हड़बड़ा रहा है, हड़बड़ाना नहीं है, आराम से बड़े तरीका से सर दो गुना मिलेंगे, एक पावर कटा ऐसे ऐसे ऐसे, समझे, तरीका से इंसान की तरह। और एक्स का डिफरेंशिएशन एक्स रे में कौन होता है, सीधे कर दो, पाँच एकम पाँच, कोई दिक्कत? अभी आपको बच्चा ही नहीं बोलेगा सुना पाँच तो प्लस दिया, ये बच्चा कौन बोलेगा सर पाँच अकेला पकड़ा गया सर, तो बाहर निकाल लेना यार, अब कहें दोबारा सोच रहे हो छः बारह एक्स प्लस पाँच आंसर आ गया, कोई दिक्कत, बुझ गए, प्लस हो या माइनस हो अलग अलग डिफरेंशिएट कर दो, अलग अलग गुना में अलग अलग नहीं करेंगे, लेकिन प्लस माइनस में गुना के लिए क्या करेंगे वो भी आएंगे, उस पर भी आएंगे, पेशेंस पेशेंस पेशेंस। एक एग्जांपल तुम गुना के देखो, दिल लगी ने दी हवा थोड़ा सा धुआं उठा और आग लग गई, चलो इसको बना के दिखाना, चलो इसको बनाओ, तुम पहले इसको उतार लो तो बना, प्रैक्टिस करो, ओके। देखो देखो मैं बताता हूँ, सबको बन गया है मैक्सिमम बच्चे को, फिर मैं बना देता हूँ, तरीका सुनो, तरीका सुनो, इधर देखो, पहली बात यार तुम्हारा हथियार कौन है, हथियार पहचानो, डी वाई बाई डी एक्स, ये तुम्हारा हथियार है, सब में डी वाई डी एक्स लगा दो, बात करता हूँ, अंधाधुन, बस ये जानते हो कॉन्स्टेंट भरे वाले एक साथ कॉन्स्टेंट बाहर कर देते हैं, तीन को बाहर करना है, डी वाई बाई डी एक्स ऐसे लिखो, लिखो 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 लिखो, और एक्स फोर ब्रेकेट में हो गया, ये वाला फोर कॉन्स्टेंट बाहर निकालो, फिर दो हथियार क्या लगा दो, हथियार, तुम्हारा हथियार क्या है, डी वाई डी एक्स स्क्वायर, फिर सिक्स कॉन्स्टेंट बाहर निकालो, फिर हथियार कुंजी, हथियार फिर एक्स, और तेरह अकेला पकड़ा गया तो जीरो कॉन्स्टेंट का कूट दो, बस हाँ मजा आता है कूटने में। अब फॉर्मूला लगा दो, क्या लगा दो, फॉर्मूला लगा दो, तीन चार गुना में एक पावर कम करो, चार में से तीन का तो एक बचेगा, डायरेक्टली कर सकते हो अगर आ गया तो, चार रहने दो, दो गुना में एक पावर एक कम, एक लिखने की जरूरत नहीं है, और ये एक्स का डिफेंसर एक ही होता है, छः बारह एक्स का डिफेंसर वन होता है, चैंस हो गया बारह एक्स क्यू, चार दुना आठ एक्स, बोला अच्छी आंसर आ गया, जीरो लिखने की जरूरत नहीं, समझ में आ गया, अगर स्पीड पकड़ा जाएगा जब प्रैक्टिस कर लोगों बहुत पूरा तो चार चार गुना में आएगा, चार तेरह बारह हो जाएगा, एक पावर कम बारह एक्स क्यू, दो चार दुना आठ एक एक पावर हो जाएगा एक्स, और एक्स का वन तो छः तेरह का जीरो, मैंने आंसर मुँह से बता सकते हो लेकिन प्रैक्टिस होने के बाद, तो जितना मैंने बताया सबको घर में बार बार प्रैक्टिस करना, क्योंकि तुम्हारे लिए नई चीज़ है, बिल्कुल नई चीज़ है, बाद में फिर धीरे धीरे फैमिलियर हो गए, प्रैक्टिस होगा तो तुम आंसर बिना देखे वो बना लोगे, मैंने थिंक विदाउटिंग से बन जाएगा, ठीक है, अरे समझ आ रहा है, चलो इसको नोट करो, एक दो प्रैक्टिस और करो, चलो एक और देता हूँ, एक और करो, तो एग्जाम्पल नंबर नाइन से लिखे देखो, तो सर लिखे चलो इसको बनाओ, इसको करो, चलो टाइम लो, टेक योर टाइम एंड सॉल्व, हो गया, जिन बच्चों को बन गया अच्छी बात है, जिनको नहीं बना देखो एक बार, बन जाएगा सबको बन जाएगा, देखो देखो क्या करेंगे, एक्स को अलग डिफरेंशिएट करेंगे, पहले डी बाय डी एक्स, हथियार लगाओ आराम से, आराम तो हड़बड़ाना नहीं है, क्योंकि ये से सीखोगे तभी आगे आगे समझ में आएगा, हड़बड़ाना नहीं है, जल्दी आंसर के चक्कर में मत रहो, ओके, और ये डी बाय डी एक्स, वन बाय एक्स, वन बाय एक्स को ऊपर ले जाओ, क्योंकि फॉर्मूला तो एक्स के पावर एन के लिए ना होता है, तो एक्स पावर एन के लिए, चलो ठीक है, तो एक्स का डिफरेंशिएशन वन, डायरेक्टली करो बना, फॉर्मूला क्यों लगाने जा रहे हो, पावर वन लिख रहे हो, क्योंकि पढ़ चुके हैं कि एक्स का डिफरेंशिएशन, मैंने बताया था कि इसको स्टार देकर लिखवाया था कि एक्स का डिफरेंस वन होता है, स्टार देकर लिखवाया था, बादल भी बनाया था, नहीं अब वन बाय एक्स का डिफरेंशिएशन भी पढ़े हुए थे, इसमें भी तुम डायरेक्टली फॉर्मूला लगा सकते हो, अरे वन बाय वो भी तुम्हारा सही है, तुम जो पहले बनाया हो मैंने कि पावर लेकर के तुम तुमको पहला बेसिक बना लो, लेकिन वन बाय एक्स का भी फॉर्मूला पढ़ चुके हैं, वन बाय एक्स का भी फॉर्मूला पढ़ चुके हैं, ये भी तो पढ़ चुके हैं, पढ़े ना पढ़े, लेकिन चलो पहली बार है तो तुम पूरा फॉर्मूला लगा लो, चलो लगाओ फॉर्मूला लगाओ, वन गुना में एक पावर वन में से वन गया तो चलो, उसके बाद माइनस वन गुना में, माइनस वन गुना में एक पावर माइनस वन गया, कोई फॉर्मूला लगाने की जरूरत नहीं है, फॉर्मूला ये लगा रहे पहला वाला, सब मास्टर फॉर्मूला को, तो जीरो हो गया, एक्स पावर कितना बचेगा, जीरो, और ये माइनस वन ये एक्स का पावर माइनस टू, अब ये वन होता है, ये माइनस वन बाय एक्स स्क्वायर हो गया, आंसर खत्म करो, और फॉर्मूला लगाते थे एक्स का डिफरेंशियल वन, वन बाय एक्स का माइनस वन बाय एक्स स्क्वायर, सीधा आंसर आ जाता, भैया मैं गया गया, चलो एक बना, चलो टेन नंबर एक्स माइनस टू का होल स्क्वायर, ट्राई करो इसको, चलो जसो इसको ट्राई करो, बंद कर दो, अब सुनो
हो गया। सुनो अब यहाँ पर से एक स्ट्रॉन्ग चीज का कंसेप्ट देने वाले हैं, एक स्ट्रॉन्ग कंसेप्ट, बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, पहले इसको बेसिक तरीके से बनाते हैं। तरीका क्या है सवाल को देखो, तुम लोग कहाँ फंस रहे हो, बहुत सारा अच्छा बना लिया। पहले बेसिक तरीका ये है कि ए माइनस बी का होल स्क्वायर तोड़ लो, तब डिफरेंशिएट करोगे, और कोई ऑप्शन नहीं है। लेकिन एक तरीका बता देंगे तो उसको एक नया ऑप्शन आ जाएगा जो कि बेस्ट तरीका है। बताता हूँ कैसे। पहले क्या करो, डी वाई डी एक्स को छेड़छाड़ नहीं करना, इसको ए माइनस बी का होल स्क्वायर लगा देना, ए स्क्वायर माइनस टू ए बी, तो दो ना चार एक्स आता ना ए माइनस बी का होल स्क्वायर, तो ना सबको तोड़ने आता है, दो का स्क्वायर चार। कभी भी स्क्वायर को ओपन करना हो ना तो तीन बार लिखा करो, जिन बच्चों को डाउट है उनको बता रहा हूँ, कितना बार लिखा करो, तीन बार, एक बार इसका स्क्वायर, एक बार इसका स्क्वायर, दो का स्क्वायर चार, और दोनों को गुना करके दो से गुना कर दो, तो दोनों चार चार एक्स, ओके माइनस माइनस तो बीच में, नहीं तो प्लस था, क्लियर हो गया। अब इसको अलग डिफरेंस कर लेंगे, इसको अलग कर लेंगे, इसको हो गया सवाल बन गया। नीचे देखिएगा तो एक्स स्क्वायर को अलग कर दिया, हथियार तुम्हारा यही है, हथियार को याद रखो, डी बाई डी एक्स को हथियार बोलते हैं, और फोर कॉन्स्टेंट है, और फोर अकेला पकड़ा गया यहाँ पे जीरो। हाँ अब बताओ x का डिफरेंस वन हो गया, और x स्क्वायर का था 2x, क्या बार पड़ चुका है, x स्क्वायर का 2x 2x क्या बार हो गया, आंसर मिल गया, हो गया जी, देखिएगा 2x 4x का 1 खत्म। आंसर अगर लिखना होता तो दो को ले लो खत्म। जैसे डिफरेंस बच्चे को क्या करते, बच्चे को क्या लगता है सर लिखे कितना बचा, तो ये समझ में आता है डी कैसे लिखे सर, तो देखो ना तरीका बना बना के देखो कैसे सर लिख रहे हैं। इसको बार बार जाकर घर पे क्या करोगे, नहीं बिल्कुल नई चीज है, ओवर स्मार्ट नहीं होना है, बार बार प्रैक्टिस करो, बहुत आसान चीज है, बहुत आसान चीज है। तो कहाँ पर डी बाई डी एक्स लिखना है, कहाँ से फॉर्मूला लगाना है, कब फॉर्मूला हटाना है, डी बाई डी एक्स को हटा देना है, फॉर्मूला लगाओ जैसे ही क्लियर हो गया। कितने बच्चे को समझ में आ रहा है, बच्चे को थोड़ा सा दिक्कत हो रही है, पहली बार है कैलकुलेशन में दिक्कत है। तो अब सुनो इसी सवाल को, अब जो मतलब बताने वाला मैं थोड़ी ये डेवलप करने वाला हूँ। अब मान लो यहाँ पर एक्स माइनस टू का होल पावर 10 रहता, क्या रहता 10 रहता, तो क्या तुम एक्स माइनस टू का होल पावर 10 तोड़ने जाते हैं। सोचो ना क्या बोल रहा मैं, एक्स माइनस टू का होल स्क्वायर था, तुमने ए माइनस बी का होल स्क्वायर तुमको फॉर्मूला पता था, तोड़ दिया, एक्स माइनस टू का पावर 10 रहता, मैंने ये सवाल हम तुमको देते, मान लो मैं एक नया सवाल तुमको दे रहा हूँ, सुनो अच्छा से, एक्स माइनस टू का पावर होल 10 देता ऐसे ऐसे, तो क्या तुम एक्स माइनस टेन को पहले तोड़ने जाते, कुछ तो शॉर्ट तरीका होगा, नहीं समझ आ रहा बात को, तुम क्या देखो आंसर जो लिखे हो, एक्स माइनस टू का होल स्क्वायर था, देखो ना गौर से अच्छा से एकदम गौर से देखना, बहुत आंख इधर उधर नहीं होना चाहिए, एक्स माइनस टू का होल स्क्वायर था, आंसर क्या आया 2 into x minus 2, इसको अच्छा से मैं ऊपर लिखता हूँ आंसर को, पहले इसको बाद में करेंगे, पहले इसको जो क्वेश्चन का आंसर आया, आंसर क्या आया, x minus 2 का होल स्क्वायर का डिफरेंशिएशन आया है, दो गुना में आया है, और ब्रेकर में x minus 2 है, ये ना है आंसर। तो जो x minus 2 है भाई, x minus 2 यहाँ लिखा हुआ है, खाली पावर मल्टीप्लाई में आ गया, और कह रहा हूँ यानी तुम इसको क्या बोल सकते हो, x minus 2 को तुम x बोल सकते हो, मैंने ये तुम्हारा n है, ये तुम्हारा x है, वाह वाह समझ में आया, मैंने अब x के बदले में x माइनस टू है, आंसर x होता था तो आंसर x लिखते थे, x होता था तो x लिखते थे यहाँ पे, अब x के बदले में यहाँ पे क्या है, x माइनस टू है, तो x माइनस टू लिखेंगे, बुझ गए, नहीं लग रहा समझ में आ रहा है बात ना, नहीं समझ आ रहा है, समझ आया, x के ब्रेक सौ बात के बाद ब्रेकेट में जो रहेगा उसी को x बोल दो, बात खत्म हो गया, ब्रेकेट में जो रहेगा उसी को बोल दोगे। हाँ अब सवाल दे रहा हूँ मैं, नया सवाल ध्यान देना, ध्यान देना, मैंने दे दिया x माइनस टू का होल 10, क्या दे दिया, अब आंसर तो मुंह से बता दो तुम लोग, 10 गुना में x माइनस टू का होल पावर 1 कम कर देना, 9 हो जाएगा, आगे आंसर, लेकिन यहाँ पे एक लोचा है, लोचा को सही करता हूँ, आंसर सही है, आंसर में कोई प्रॉब्लम, बनाएंगे कैसे, बनाएंगे कैसे सर, बनाएंगे डायरेक्टली आंसर थोड़ी लिखेंगे, बनाना नहीं सीखेंगे हम लोग, तरीका सा है, तरीका सुनो, फॉर्मूला को गौर से देखना है, आराम से, बहुत इंपॉर्टेंट बात बताने वाला हूँ, x का पावर n का डिफरेंशिएशन, फॉर्मूला को बार बार लिखो इसको, इसको बार बार, ये फॉर्मूला के अंदर बहुत सारी बातें छिपी हुई हैं, x का पावर n गुना मिलोगे, एक पावर कम करोगे, ये ना पढ़े हो, जो यहाँ रहना चाहिए वही यहाँ होना चाहिए, ये फॉर्मूला यही तुमको बोल रहा है, ये फॉर्मूला चिक चिक पुकार रहा है कि यहाँ जो होगा वही यहाँ होना चाहिए, पावर कुछ भी मैटर नहीं करता, लेकिन यहाँ जो होगा यहाँ x का पावर 1 होना चाहिए, ठीक है, और ऊपर में जो पावर सो है, समझ आपको, क्योंकि x के रिस्पेक्ट में कर रहे हो, यानी पावर 1 के रिस्पेक्ट में कर रहे हो, हमेशा एक पावर के रिस्पेक्ट में हम लोग डिफरेंशिएट करते हैं, भैया हो गया तरीका समझो, थोड़ा सा टाइम लगेगा लेकिन सवाल समझ आओ तो मजा आ जाएगा, तो सवाल को कैसे डिफरेंशिएट करें सर, तो इसके लिए यहाँ पर x ब्रेकेट के अंदर क्या है, ब्रेकेट के अंदर x माइनस टू है, वही चीज नीचे होना चाहिए, वही चीज तो क्या करेंगे ध्यान दो, अभी नहीं बनाएंगे आंसर, दो कैसे बनाएंगे, x माइनस टू का होल पावर 10, ये x का काम कर रहा है, यही चीज को नीचे लिखो अपने मन से, अपने मन से ऐसे, लेकिन नीचे में था नहीं, नीचे में था dx, हमने लिया है d into x, dx minus 2,
डी एक्स माइनस रहने दो, एक्स माइनस टू, समझे क्या बोले, समझ रहे, आंख खोले रहो, बहुत इंपॉर्टेंट है जो चीज ब्रेकेट के अंदर है भाई, चीज नीचे लिख दो। लेकिन ये तो था नहीं, तो मैथमेटिक्स का नियम है, जानते हो गणित का एक नियम है, छोटा सा सादा नियम, क्योंकि अगर भाग किए तो गुना भी करना पड़ेगा, एक्स्ट्रा चीज लाए तो, इतना भाग किए तो इतना से क्या कर दो, वाह वाह वाह, कुछ समझे। और ये जो डी एक्स महाराज था ये इसको मिल जाएगा, समझे, हो गया खत्म, सवाल बन गया। मैंने जो ब्रेकेट में था उसी को नीचे लिख दिया, ऐसी से बड़का कर दिया, गुना कर दिया, बात खत्म। और जो डीएक्स बेचारा जो अकेला था बचा हुआ था उसको यहां फेंक दिया, बुझ गए। अब यहां पर दो दो बार डिफरेंस है, एक बार यहां पर डिफरेंशिएशन, एक बार हाँ, इसको बोलते हैं चेन रूल, क्या बोलते हैं, चेन बन गया, चेन बन गया, दो चेन बना ना अभी, अब कभी कभी तीन चेन भी बन सकता है, चेन रूल, क्या नाम है इसका, बड़ा अमेजिंग है बच्चा, बोलो ध्यान देना। तो दस गुना में बोलो दस, ये x का काम कर रहा है फॉर्मूला, ये फॉर्मूला से बात करो, फॉर्मूला से बात करो, फॉर्मूला कहता है कि x ऊपर है तो यहाँ भी क्या होना चाहिए, जो यहाँ ब्रेकेट में होना चाहिए यहाँ क्या होना चाहिए, नीचे होना चाहिए, समझे। तो अब देखो यहाँ पे x माइनस टू था, मैंने क्या कर दिया, फॉर्मूला लग गया, भैया भैया इसको ना याद करने का तरीका मैं सिखाता हूँ, चलो ऐसे ऐसे मैं ऐसे करता हूँ, बोलता हूँ डब्बा, इसको मैं डब्बा मेथड बोलता हूँ, यहाँ लिखाता हूँ डब्बा मेथड, यहाँ लिखता हूँ डब्बा, अजी बोलो, और उसका पावर n, कुछ भी पावर, और नीचे भी क्या होना चाहिए, डब्बा, बात खत्म, तभी जाकर फॉर्मूला लगा सकते हो। आंसर लिखोगे एन, और लिखो डब्बा का पावर एन माइनस, इस डब्बा के बदले में कुछ भी हो चलेगा, ये डब्बा बहुत अच्छा है, आंख बंद डब्बा गायब, इसलिए आंख खुला रहना चाहिए बबू, ठीक है, क्या बोला डब्बा का पावर, जो डब्बा यहाँ यहाँ मान लो यहाँ पर लिखा हुआ है, यहाँ पर लिखा हुआ है एक्स तो यहाँ पर क्या होना चाहिए, यहाँ लिखा हुआ वाई तो यहाँ क्या होना चाहिए, यहाँ जेड तो यहाँ, यहाँ टी तो यहाँ, यहाँ सौ एक्स तो यहाँ, समझे बात को ना, पावर कुछ भी खाली ब्रेकेट के अंदर जो, बुझ रहे हो कि नहीं बुझ रहे हो, अरे बोलो ना, यस सर समझ रहे हैं, समझे डब्बा वाला अंदर, समझे, तो ये जो डब्बा के अंदर वही डब्बा नीचे होना, डब्बा में जो चीज ऊपर होना चाहिए वही चीज नीचे, समझ आ गया फॉर्मूला, अब इसको एक्स बोल दो, डब्बा डब्बा, तो डब्बा लिखना है भाई, एक्स माइनस टू जो ब्रेकेट के अंदर है लिखोगे, एक्स का काम ये कर रहा है डब्बा काम, तो एक पावर घटाएंगे, दस में से एक घटा दो, पहली बार फॉर्मूला लगा था तुमको, डायरेक्टली आता तुम डायरेक्टली कर लो, कोई दिक्कत नहीं, हाँ x का, अब इसको अब इसको अब इसको अब ये अब नया सवाल बन गया, क्या बन गया, अब इसको अंदर घुस के डिफरेंशिएट करो, घुस के मारो इसको, क्या कहते हैं समझो, घुस के मारना है, तो x का डिफरेंशिएशन 1, 2 बेचारा बच्चा पकड़ा गया, अकेला पकड़ा गया, अगर इरादा नेक नहीं है तो तुम सॉरी तुम्हारे नेक इरादे बहुत है तो तुम पहले अलग कर लो, सर x को अलग से करेंगे सर, हम ऐसे नहीं करेंगे सर, और 2 को तो 0 होता है सर, ऐसे कर सकते हो, कोई दिक्कत हड़बड़ाने वाली बात, इसका 1 हो गया सर, यहाँ पे आंसर इतना सस्ता में आ गया था, जिटू आप इतना लपेट रहे सर, इतना लपेट रहे, आगे समझ आ जाएगा, वेट करो, एक आ गया ये, तो एक माने जीरो, जीरो लिखने की जरूरत नहीं, आंसर आ गया 10, सर एक लाइन में आंसर आ रहा था, एक लाइन में आंसर, जिटू आप इतना लंबा कर दिया, अब बताएंगे, पेशेंस पेशेंस, समझ आ गया तरीका, बताओ समझाया, इसका नाम है चेन रूल, अब बताने वाला हूँ कितना क्या हो रहा है मेरे साथ, आज समझ नहीं आ रहा, इसको मिटा रहा, ये फॉर्मूला ऑलरेडी तुम लोग लिख चुके, अब चेन रूल, सुनो 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 बुबू, एक और एग्जांपल, एग्जांपल एग्जांपल, अब मैं तुमको दे दूं, सुनो सुनो, मैं तुमको दे दूं, सुनो सुनो, मैं तुमको दे दूं 4x, सुनो 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 सुनो, x स्क्वायर प्लस 4x, और उसका पावर दे दूं 15, इसमें तुम डायरेक्टली कर लेते, तुम अगर मान चेन रूल तुम नहीं सीखती तो तुम ट्रिक कर दो सर, डायरेक्टली है ये x मान लेंगे सर, 15 आंसर ऐसे ऐसे, और ये हो गया 14 आंसर, क्या हो जाएगा, बड़का गलत, गैन से गलत, बड़का गलत, समझ तो मजा आ जाएगा, गलत इतना बड़ा गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे बहुत सिंपल था ना, अंतर में लीनियर था ना, अंतर में लीनियर नहीं क्वाड्रेटिक है, तो मामले गड़बड़ जाएगा, फिर तरीका क्या है, ये तरीका इसका नाम है चेन रूल, चेन खुली की मेन खुली की चेन, अब देखो चेन खुलेगी, देखो कैसे चेन कैसे खुलेगा मिस्टर, देखो बबू, ए मिस्टर बोलो क्या लगाएंगे बताओ, ब्रेकेट में क्या है, ठीक है बबू देखती रहो जसो, अब बताओ जो ब्रेकेट के अंदर है वही नीचे डालना है, यस अब तो कमाल हो गया, इतना सा फिर वाह वाह, समझे मत को, जो डीएस बेचारा अनाथ था, अनाथ बच्चा उसके पास चला जाएगा, लो ना उसको सहारा मिल गया, डीएक्स को सहारा मिल गया, अब खत्म सवाल, खत्म 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 बोलो, खत्म खत्म, मजा आ गया, चेन रूल यही, इसका नाम चेन रूल है, अब क्या करेंगे, पहले इसको x बोलेंगे, x का पावर n, x का पावर
तो 15 गुना में डब्बा का काम कर रहा है, तो डब्बा लिखो, पहले डब्बा को लिखो, जैसे वैसे लिखो, कोई दिक्कत? और एक पावर कम करो, कम करो, 15 माइनस एक, इसको अंदर घुस के मारो, घुस के, हाँ घुस के मारो, तो ब्रेक जगह नहीं मेरे पास, तुम लोग अपना एक लाइन करना, घुस के थे, इसको अलग करते हैं, आराम आराम आराम, पहली बार है, और इसको अलग, ये बताओ बच्चा के साथ चचा भी है, बच्चा के साथ चचा को अलग करो, अगर तुमको फास्ट आता है ना, तुमको तो देख लो, एक्स का 2x होता है, एक्स का 1 होता है, चार लिख दो, 2x + 4, देख ले, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन पहली बार है, ये पहला प्यार है, इसलिए शांतिपूर्वक काम करना है, ठीक है ना। हाँ, 15x² + 4x, ये 14 हो गया, अब अंदर घुस गया 2x, 4x, कोई दिक्कत किसी को? हो गया, अब अंदर गुना कर, दो कमा ले लो, यहाँ छोड़ दो आंसर, देखो आंसर डिफरेंट आएगा, सेम सेम आया तुम्हारा, तुम जो सोच रहे थे, देखो डिफरेंट आएगा ना, आया ना, आया आया ना, तो तुम लोग जो सोच रहे गुल्लू हो जाता मामला, ठीक है, ब्रेक में पहले लिख देता है, आई नहीं, किसको अंदर गुना कर दो, पावर 14 है, गुना कर दो, 15 बाहर नहीं, दो कमा लेना, 15 दुना 1 + 2, और इसको लिख दो आंसर, फाइनल आंसर, ये डिफरेंस नहीं, ये तो मैथ है सिंपल, वहाँ भी छोड़ सकते आंसर, कोई दिक्कत नहीं, समझ में आ गया, जल्दी बताओ, दिल पे हाथ रख के बताओ, अब हुआ इसका नाम है चिन्ह, माने एक्स के अलावा कुछ भी रहना ब्रेकेट के अंदर या रूट के अंदर, पहले उसको ब्रेक करो, जैसे एक एग्जांपल, सुनो 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 ना सुनो ना सुनो गौर से दुनिया वालों, सुनो ना गौर से दुनिया वालों, मैं बोल दूँ, जैसे ऐसा करो ना पहले, अच्छा तुम लोग ट्राई करो, पहले क्वेश्चन देता हूँ मैं तुमको, देता हूँ रूट अंडर x² + 5x + 6, क्या करोगे, क्या करोगे जल्दी बताओ, क्या करोगे, पहले पावर हाफ लिखोगे, कलर लिखोगे, ब्रेकेट लगाओगे, फिर ये चिन्ह लगाओगे, ठीक है, पावर हाफ लिखोगे ऐसे, दिल लगी दीवार से, अब नीचे क्या लिखेंगे, नीचे क्या लिखेंगे, ए ब्रेकेट वाले को नीचे, कमाल हो गई, हो गया है तुझको तो प्यार सजना, देखो अब बेहतर से गुना करना पड़ेगा, वाह 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 वाह, मेरे पास जगह नहीं है, तुम लोगों को लग रहा होगा भाग कर रहे, सर भाग नहीं है, वो गुना है, आई डीएक्स यहाँ अनाथ बच्चा यहाँ जाएगा, मैंने इसको सहारा मिल जाएगा, जो डीएक्स बच गया था, जो क्वेश्चन में था, वो डीएक्स अनाथ हो जाता है, चेन रूल लगाते हो, लेकिन अनाथ होने के बाद फटाक से इसको सहारा मिल जाता है आगे, हाँ अब इसका फॉर्मूला लगा दो, एक्स का बायन का 1/2 मल्टीप्लाई में एक पावर, ऐसे रूट एक्स का डायरेक्टली जानते हो, 1/2 रूट एक्स होता है, अगर समझदार तो डायरेक्टली 1/2, लेकिन हम नहीं लगाएंगे, हम पहली बार पहला प्यार है, इसको सावधानीपूर्वक, ओके, x² + 6 का पावर, ये डब्बा है, डब्बा का पावर n - 1, अब अंदर घुस के इसको अलग डैगली कर दे, क्या जगह की कमी है, दिख रहा है बुबू, दिख रहा है, तो एक्स कर डैगली कर दे, 2x, 5x का 5, x का 1, और सिक्स अकेला पड़ गया बेचारा 0, अब इसका 1/2 रूट एक्स हो जाएगा, नीचे देखिए अगला बाबू, इसको ऐसा करते यहाँ लिख देते हैं, आंसर एक जगह मिलेगा, तो 1/2 कर दे इसको डायरेक्टली, 1/2 रूट पावर हाफ हो जाएगा, माइनस हाफ बचेगा, नीचे आएगा प्लस हो जाएगा, तो 2√x² + 5x + 6, आई इसको 2x + 5 को यहाँ लिख दो, और ये बुझेगा नट, इन्हें की 2 से 2 काट दोगी, ऐसा नहीं करो गलत हो जाएगा, समझ आ गया, चेन रूल समझ आएगा ना, इसका नाम क्या है, इसका नाम क्या है, चेन, तो यहाँ पर से चेन रूल की एंट्री हो गई है, यहाँ पर से, यहाँ स्टार्ट करके लिखना, यहाँ से चेन रूल की एंट्री हो गई, मजा आया कि नहीं आया, जल्दी बताओ, समझ आया, नोट करो, आगे बढ़ते हैं, ओके।